हे गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। और दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक और बजट रेंज के स्मार्टफोन के बारे में। और ये स्मार्टफोन है यहाँ पर टेक्नो की तरफ से आने वाला टेक्नो स्पार्क 8T। और दोस्तों, ये जो स्मार्टफोन है ये इंडिया में हमें 15 दिसंबर को लॉन्च होता हुआ देखने को मिलने वाला है। लेकिन उससे पहले दोस्तों, यहाँ पर स्मार्टफोन की पूरी स्पेसिफिकेशन, साथ ही स्मार्टफोन कैसा देखने को मिलने वाला है और इसके अलावा दोस्तों स्मार्टफोन की प्राइसिंग क्या हो सकती है, वो यहाँ पर लीक हो चुकी है। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं स्मार्टफोन की पूरी डिटेल के बारे में। साथ ही साथ, आपको स्मार्टफोन के लिए वेट करना चाहिए या फिर दोस्तों आपको किसी और स्मार्टफोन को परचेज कर लेना चाहिए, इसके बारे में भी हम बात करेंगे। तो एक बार इस वीडियो को पूरा चेकआउट जरूर से कर लीजिएगा। साथ ही साथ दोस्तों, वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। मेरा नाम है राम और गैजेट न्यूज हिंदी पे आप सभी का स्वागत है। तो चलिए शुरू करते हैं और सबसे पहले बात करते हैं यहाँ पर डिजाइन और बिल्ड क्वालिटी की। दोस्तों, तो डिजाइन और बिल्ड क्वालिटी आपको सेम देखने को मिलने वाली है। प्लास्टिक बिल्ड के साथ में आपको स्मार्टफोन मिल जाएगा, साथ ही आपको यहाँ पर फ्रंट में ग्लास का प्रोटेक्शन देखने को मिलने वाला है। इसके अलावा डिजाइन की बात कर ले तो डिजाइन आपको यहाँ पर बिल्कुल भी टेक्नो स्पार्क 8 की तरह ही देखने को मिलेगा। बैक में आपको यहाँ पर ड्यूल रियर कैमरा सेंसर देखने को मिल जाएंगे रेक्टेंगुलर डिजाइन के साथ में। साथ ही आपको यहीं पर रियर माउंटेड वाला फिंगरप्रिंट सेंसर और साथ ही साथ दोस्तों यहाँ पर आपको एक बड़ा सा बैनर देखने को मिलने वाला है स्टॉप एट नथिंग का। साथ ही फ्रंट की बात कर ले तो फ्रंट में आपको यहाँ पर वी नॉच के साथ में डिस्प्ले देखने को मिलने वाली है, जहाँ पर आपको चिन और बीजल्स वगैरह भी काफी पतले दिए गए हैं। तो देखा जाए दोस्तों, तो आपको यहाँ पर डिजाइन और बिल्ड क्वालिटी दोनों ही डिसेंट मिलने वाली है, दोनों से आपको यहाँ पर कोई शिकायत नहीं आएगी। हालांकि दोस्तों, मुझे यहाँ पर जो स्टॉप एट नथिंग का एक बड़ा सा पोस्टर देखने को मिला है वो पसंद नहीं आया। वैसे आप सभी इसके बारे में क्या कहते हैं यार, आपको पसंद आया या फिर नहीं, कॉमेंट्स में जरूर बताइएगा। और दोस्तों, ये स्मार्टफोन हमें इंडिया में 4 कलर ऑप्शन के साथ में देखने को मिलने वाला है, जो कि आप अपने स्क्रीन पर भी चेकआउट कर सकते हैं। चलिए बात करते हैं अब यहाँ पर स्मार्टफोन के मेन स्पेसिफिकेशन यानी स्मार्टफोन के मेन फीचर्स के बारे में। दोस्तों, वैसे तो यहाँ पर इस प्राइस पर आपको नॉर्मली HD+ वाली डिस्प्ले देखने को मिलती है, लेकिन इस स्मार्टफोन के अंदर हमें यहाँ पर 6.6 इंचेस की फुल HD+ वाली LCD डिस्प्ले का सपोर्ट देखने को मिलेगा, जहाँ पर 500 नीट्स तक की पीक ब्राइटनेस देखने को मिलने वाली है। साथ ही 20:9 का एस्पेक्ट रेशियो और लगभग आपको यहाँ पर 380 PPI डेंसिटी का सपोर्ट देखने को मिल जाएगा। तो कंटेंट वॉच करने के लिए डिस्प्ले अच्छी होने वाली है, साथ ही साथ आपको यहाँ पर गेमिंग के लिए नॉर्मल 60Hz के रिफ्रेश रेट और 120Hz तक की टच सैम्पलिंग रेट देखने को मिल जाएगी। तो देखा जाए दोस्तों, तो आपको यहाँ पर बजट रेंज के हिसाब से एक अच्छी डिस्प्ले मिलेगी, डिस्प्ले के मामले में आपको यहाँ पर कोई शिकायत नहीं आने वाली। चलिए बात कर लेते हैं कैमरास की। तो बैक में हमें यहाँ पर 2 कैमरा देखने को मिलेंगे। पहला तो होगा यहाँ पर 50 मेगापिक्सल का और दूसरा हमें यहाँ पर और भी पावरफुल यानी दोस्तों AI लेंस देखने को मिलने वाला है, जिसका कोई मतलब नहीं होता, सिर्फ दिखाने के लिए यह सेंसर हमें दिया जाता है। लेकिन फिर भी दोस्तों, गिनती के लिए 2 सेंसर होंगे और इसके अलावा हमें यहाँ पर 8 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा देखने को मिलेगा। साथ ही हमें यहाँ पर फ्रंट में ड्यूल LED फ्लैश भी देखने को मिल जाएगा। दोस्तों, मेरे हिसाब से कैमरा सेटअप आपको यहाँ पर एवरेज मिलता है। और वहीं पर बात कर ले वीडियो रिकॉर्डिंग की, तो फ्रंट और बैक कैमरा से आप यहाँ पर फुल HD तक की वीडियो रिकॉर्डिंग कर पाएंगे 30fps पर। तो सबके पास देखेंगे तो कैमरा मॉड्यूल आपको यहाँ पर ठीक ठाक देखने को मिल जाएगा। और चलिए बढ़ते हैं आगे और बात कर लेते हैं अब यहाँ पर स्मार्टफोन की परफॉर्मेंस की। दोस्तों, तो इसके पहले यहाँ पर टेक्नो स्पार्क 8 स्मार्टफोन को लॉन्च किया गया था, जहाँ पर हमें MediaTek Helio A25 का चिपसेट दिया गया था। लेकिन दोस्तों, इस स्मार्टफोन के अंदर हमें यहाँ पर MediaTek Helio G35 का चिपसेट देखने को मिलने वाला है, जो कि 12nm फैब्रिकेशन पर बना हुआ है। तो हीटिंग वगैरह आपको यहाँ पर जरूर मिलेगी, साथ ही साथ आपको यहाँ पर जो ओवरऑल परफॉर्मेंस मिलने वाली है वो भी आपको नॉर्मल ही देखने को मिलेगी। बात कर लेते हैं रॉ CPU की, तो 64-bit आर्किटेक्चर के साथ में हमें यहाँ पर ऑक्टा कोर का चिपसेट देखने को मिलेगा, जो कि 8 कोर के साथ में आता है, जहाँ पर 4 कोर हमें मिल जाएंगे 2.3 GHz के, जो कि आपके हाई परफॉर्मेंस टास्क को हैंडल करने वाले हैं। और यहाँ पर आपको कोर्टेक्स A53 के कोर देखने को मिल जाएंगे, साथ ही बाकी के 4 कोर भी आपको कोर्टेक्स A53 पर ही देखने को मिलेंगे। लेकिन आपको यहाँ पर 1.8 GHz की स्पीड देखने को मिलती है, जो कि आपके मीडियम परफॉर्मेंस टास्क और पावर एफिशिएंसी को यहाँ पर मैनेज करते हैं। तो ओवरऑल जो परफॉर्मेंस है वो आपको नॉर्मल मिलने वाली है। साथ ही साथ गेमिंग की बात कर ले तो आपको यहाँ पर PowerVR GE8320 का GPU देखने को मिल जाएगा, जहाँ पर आप ठीक ठाक लेवल की गेमिंग भी कर सकते हैं। तो देखा जाए दोस्तों, तो ये स्मार्टफोन उन यूजर्स को टारगेट करने वाला है जो कि दोस्तों यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ नॉर्मल यूजिंग के लिए स्मार्टफोन परचेस करना चाहते हैं। इसके साथ में बात कर लेते हैं यहाँ पर स्मार्टफोन के रैम और स्टोरेज की। दोस्तों, तो ये स्मार्टफोन हमें यहाँ पर 4GB की रैम के साथ में देखने को मिल सकता है, जहाँ पर हमें LPDDR4X रैम का सपोर्ट देखने को मिलेगा। साथ ही साथ 64GB की इनबिल्ट स्टोरेज होगी और यहाँ पर हमें eMMC 5.1 की स्टोरेज देखने को मिल जाएगी। तो प्रोसेसर के हिसाब से आपको यहाँ पर रैम और स्टोरेज का जो मॉड्यूल देखने को मिलता है वो अच्छा देखने को मिलेगा, तो यहाँ पर आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी।
बढ़ते हैं आगे, बात कर लेते हैं पावर हाउस की। तो इस फोन के अंदर हमें यहाँ पर 5000 mAh की बैटरी देखने को मिलने वाली है, साथ ही साथ 10W की चार्जिंग का सपोर्ट होगा और चार्जिंग के लिए माइक्रो USB की पोर्ट देखने को मिल जाएगी। डिस्प्ले और प्रोसेसर को देखा जाए दोस्तों, तो नॉर्मल यूजिंग के हिसाब से आपको यहाँ पर एक दिन का बैकअप काफी आराम से मिलने वाला है। चलिए बात करते हैं अब यहाँ पर स्मार्टफोन के एक्स्ट्रा फीचर्स के बारे में। तो दोस्तों ये फोन हमें यहाँ पर रियर माउंटेड वाले फिंगरप्रिंट सेंसर के साथ में देखने को मिलेगा, साथ ही फेस अनलॉक जैसे फीचर देखने को मिल जाएंगे। इसके अलावा यहाँ पर हमें 3.5 mm वाला जैक देखने को मिलने वाला है। और जहाँ तक बात है ऑडियो क्वालिटी की, तो सिंगल बॉटम फायरिंग स्पीकर के साथ में स्मार्टफोन देखने को मिल जाएगा, जहाँ पर आपको डिसेंट क्वालिटी की ऑडियो भी देखने को मिल जाएगी। इसके साथ में दोस्तों इस फोन के अंदर हमें यहाँ पर ट्रिपल कार्ड का स्लॉट देखने को मिलने वाला है, तो आप यहाँ पर एक साथ में 2 4G SIM और एक मेमोरी कार्ड लगा सकते हैं, जो कि काफी अच्छी बात हो जाएगी। और जहां तक बात है सेंसर्स की गाइस, तो यहाँ पर हमें इस प्राइस के हिसाब से जो भी सेंसर्स देखने को मिलते हैं वो सभी आपको यहाँ पर मिलने वाले हैं, तो यहाँ पर भी आपको कोई कमी नहीं मिलने वाली। अब बात करते हैं यहाँ पर स्मार्टफोन के OS की। तो ये स्मार्टफोन हमें एंड्रॉइड 11 पर देखने को मिलने वाला है, जहाँ पर पॉसिबली हमें यहाँ पर हाई OS 7.6 देखने को मिलेगा। तो ब्लॉटवेयर ऐप और एड्स का सपोर्ट आपको यहां पर मिलने वाला है, तो गाइस जो सॉफ्टवेयर एक्सपीरियंस होगा वो आपको यहां पर ठीक ठाक देखने को मिल जाएगा। तो फाइनली आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं अब यहां पर स्मार्टफोन की लॉन्च डेट और साथ ही साथ स्मार्टफोन की प्राइसिंग के बारे में। तो जैसा कि दोस्तों वीडियो के स्टार्ट में ही मैंने आपको बता दिया था कि ये जो स्मार्टफोन है ये आपको 15th December को लॉन्च होता हुआ देखने को मिल जाएगा इंडिया में। साथ ही साथ बात करें यहाँ पर स्मार्टफोन की प्राइसिंग की, तो टेक्नो स्पार्क 8 ये जो स्मार्टफोन है इसे लॉन्च किया गया अराउंड यहाँ पर ₹10,000 की प्राइस पर, जहाँ पर हमें HD+ वाली डिस्प्ले देखने को मिलती है। लेकिन दोस्तों यहाँ पर हमें कुछ अपग्रेड देखने को मिल रहे हैं, जैसे कि Full HD+ वाली डिस्प्ले, साथ ही थोड़ा सा बेटर प्रोसेसर देखने को मिलेगा। तो उस हिसाब से गाइस इस स्मार्टफोन की प्राइसिंग हमें यहाँ पर 10,000 से लेकर 11,000 के बीच में देखने को मिल सकती है। तो गाइस अगर यार इस स्मार्टफोन को 10,000 से 11,000 की प्राइस पर लॉन्च किया जाता है, तो मुझे नहीं लगता यार कि ये स्मार्टफोन इस प्राइस के हिसाब से बेस्ट वैल्यू फॉर मनी हो सकता है, क्योंकि दोस्तों ऑलरेडी यहाँ पर इन्फिनिक्स, रियलमी, रेडमी काफ़ी सारे ऐसे ब्रांड्स हैं जिनके काफ़ी अच्छे और तगड़े स्मार्टफोन हमें ऑलरेडी इस प्राइस पर देखने को मिल जाते हैं, जहाँ पर हमें इससे कहीं ज़्यादा बेटर परफॉर्मेंस और कहीं ज़्यादा बेटर स्पेसिफिकेशन देखने को मिलती है। तो ऐसे में यार अगर ये स्मार्टफोन इस प्राइस पर आता है, तो मुझे आप बताइए क्या आप स्मार्टफोन को परचेस करना पसंद करेंगे या फिर नहीं दोस्तों, कमेंट्स में जरूर बताएगा। साथ ही साथ दोस्तों मुझे आप ये भी बताएगा क्या आपको लगता है ये स्मार्टफोन 10,000 से 11,000 की प्राइस पर लॉन्च किया जा सकता है या फिर नहीं दोस्तों, ये भी आप हमें कमेंट्स में जरूर से बता सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों आपके और भी कोई सुझाव होंगे तो वो भी आप हमें कमेंट्स में बता सकते हैं। साथ ही साथ दोस्तों उम्मीद है आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी, तो लाइक और शेयर जरूर से कर दीजिएगा। और साथ ही गाइस अगर आपकी कोई क्वेरीज है या फिर कोई भी क्वेश्चन है, तो आप हमें इंस्टा पे मैसेज कर सकते हैं, हम वहां पर आपकी क्वेरीज का रिप्लाई जरूर करेंगे। इन सभी के अलावा दोस्तों वीडियो पसंद आई हो तो जरूर से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को जरूर से प्रेस कर दीजिएगा, ताकि दोस्तों आने वाली वीडियोज की नोटिफिकेशन भी आपके डिवाइस पर टाइम टू टाइम मिलती रहें। सो चलिए मिलते हैं ऐसी एक और वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, धन्यवाद।